ओके सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:53 ऑलमोस्ट 9 बज रहे, समझ लो ये थोड़ा 2-3 मिनट पीछे कुछ है, 8:55 पकड़ लो। तो फिलहाल मैं निकल गया था घर से, कुछ 15-20 मिनट हो गए मेरे को निकले हुए। तो बीच में साला हेलमेट ने परेशान कर दिया आज, तो इसलिए रुकना पड़ा मेरे को एक बार, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इधर पहुँचने में। बाकी ये तो मेरे घर से ये वाला टोल जो है वो हार्डली 10 मिनट का ही रास्ता है। तो बस अभी निकलते हैं। एंड अंदर वेदर बहुत ही बढ़िया है, मतलब उतनी ज़्यादा धूप नहीं है, सो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ना कल बारिश हुई थी बहुत बढ़िया वाली, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा अभी धूप नहीं हो रही है। कल तो पूरा दिन मौसम ठंडा रहा था, पूरा दिन, मतलब सुबह बारिश हुआ था। कल तो क्या हुआ था, सुबह बारिश हुई तब बहुत ही बढ़िया मौसम एकदम ठंडा हो गया था, उसके बाद सारा ज़्यादा धूप लगने लगी। पर बस आज ज़्यादा धूप ना निकले वरना परेशान हो जाएंगे, और कुछ नहीं। एंड फिलहाल मैं जा रहा हूँ वडोदरा, आपको बता नहीं है मैंने, एंड देखो तो कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। सो एग्जिट वडोदरा में जाना है मेरे को, मगरपुरा GIDC में, तो आइए अभी तो चलते हैं। एंड अकेला ही हूँ, कोई और नहीं है साथ में, क्या करें भाई, अकेले ही है ना हम अभी तो कोई नहीं, चलो चला। अभी अभी बोला धूप नहीं है और इतनी देर में धूप आ गया, क्या करे, हम जैसे सोचते हैं ना वैसा कभी हुआ ही नहीं साला आज तक। पिछली बार मैं वडोदरा जब गया था, मतलब लास्ट टू लास्ट वीक गया होगा मेरे ख्याल से, तब भी मैंने व्लॉग शूट किया था, वो एडिट करके अपलोड भी कर दिया है, सब कुछ रेडी है, बस सिर्फ को ना पब्लिश करना बाकी है। मेरे ख्याल से कल उसको पब्लिश करूँगा मैं, थंबनेल नहीं मिल रहा था अच्छा, इसलिए अभी तक बाकी है वो। तो बस आज देखते हैं क्या कंटेंट मिलता है हमें, आई होप कि कुछ बढ़िया मिले अच्छा। एंड एक बार ना वेदर चेकआउट करें कितना बढ़िया हो गया, मतलब मैं ऐसे वेदर की बात कर रहा था अभी, कि ऐसा वेदर रहता है ना जब तो बहुत ही बढ़िया लगता राइड करने में, कोई ऐसा थकान भी नहीं होती, धूप पसीना भी नहीं होता, कुछ नहीं, ऐसा वेदर है ना बहुत अच्छा है। एंड ना बारिश हो रही है ना अभी एक दो दिन से इधर, तो ना देखो ग्रीनरी ज़्यादा लग रही है, तो ना देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सो अभी ना मेरे को यहाँ से हाईवे को छोड़ के सिंगल लेन पे जाना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ जाते वक्त इस वाले रास्ते चला जाता हूँ, आते वक्त हाईवे से आ जाऊँगा पूरा, कि हाईवे से जाऊँगा थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, तो अभी तो यहाँ से निकल लेता हूँ जाते वक्त, आते वक्त मैं हाईवे से आ जाऊँगा। तो बस अभी ना ऐसा ही रास्ता है पूरा, मतलब सिंगल लेन ही है। एंड आज ना यहाँ पर भी देखो, मैं बोल रहा था ग्रीनरी ज़्यादा लग रही है, तो सभी रास्ते पे ऐसा ही है आज, तो बस इस वाला रास्ते पे दिक्कत क्या है ऐसा ना, बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं ना, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, मतलब लोग बीच में आ जाते हैं कहीं से भी, तो बस साला भैंस की आग। चलो ऐसा लगता तो हमारे इंडिया को बर्बाद करने में इनका ही हाथ है वैसे तो देखा जाए तो। उसके गाड़ी के अंदर ही थूका तो क्या जाता है उसका, भला खुद का चीज़ गंदा नहीं करने का, ऐसा है सभी को क्या करें भाई, छोड़ो सबको तो समझा पाएंगे नहीं हम। एक तो ना साला आज का दिन कैसा ना वही मालूम नहीं पड़ रहा मेरे को ना, जिस लोकेशन पर जाना था ना वहाँ पर मैं पहुँचने वाला था, मतलब पहुँचने के लिए मेरे को ना वो कुछ सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर बचे हुए थे, तो फोन आता है कि वापस आना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट ले जाना रह गया, बाकी जो ट्रीटमेंट करना था वो ले जाना पड़ेगा। साला कल तो मेरे को जितना दिया है मेरे को लगा यही ले जाना है, और उतना ही ले जाना था, बट अभी और भी ले जाना पड़ेगा, तो अभी वापस जाना पड़ेगा, चलते हैं। जितनी देर उधर पहुंचने में लगेगी उतने में वहाँ पहुंच जाता मैं, और सारा काम निपटा भी लेता थोड़ी देर में, 1-2 बजे तक मैं फ्री भी हो जाता, पर क्या करें, चलो होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तो आइए अभी वापस चलते हैं, पहले मैं जो चीज़ लेना है वो ले लेता हूँ, फिर आगे का काम करते हैं। अभी ना मेरे को जिस लोकेशन पर जाना है ना वापस, वो यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर बचा होगा,
20 किलोमीटर बचा होगा मेरे ख्याल से। तो ना मैं ना पहले काम निपटा लेता हूँ, क्योंकि अभी जल्दी में भी हूँ थोड़ा, तो काम निपटा लेता हूँ पहले अच्छे से, उसके बाद ना आपको मैं मिलता हूँ सीधा। बट अभी 9:30 हो रहे हैं ना, मेरे ख्याल से 11 बज जाएंगे। सो अभी ना 11:03 हो रहा है, तो बस साले वहाँ से जो पिक करना था वो कर लिया है अभी। मैं बोला था आपको 11 बजे के आसपास हो ही जाएगा, अभी कुछ 10-15 मिनट पहले वहाँ से निकला, पेट्रोल डलवाना था, पेट्रोल डलवा लिया। तो साले तो अभी जा रहा हूँ आगे की तरफ, साला बारिश शुरू हो ऐसा लग रहा है, लग तो रहा है, आई होप कि बारिश ना हो बस। हाँ साला बारिश शुरू हो गई, बस कि यहाँ क्या करें अब। आज का दिन ना कैसा है मालूम ही नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह सुबह इतना कांड हो चुके हैं ना, टाइम वेस्ट इतना ज़्यादा हुआ है ना, आज मैं क्या बोलूँ। भाई वापस नहीं आना पड़ा था ना, मैं पैर ऊपर रख लेता हूँ वरना जूता गंदा होगा। आ चुका है ये वाला नेशनल हाईवे, यहाँ से हम लोग ले लेंगे राइट, तो सीधा हम जाएंगे वडोदरा की तरफ। यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेंगे तो सीधा आप जा सकते हैं अहमदाबाद। सो ये वाला राइट आपको सीधा मुंबई भी कनेक्ट करता है। सो अभी मुंबई तो हमें जाना नहीं है फिलहाल, जाएंगे इन फ्यूचर कहीं भी कभी ना कभी। तो बस अभी तो आइए चलते हैं, 11:15 हो रहा है टाइम, 11:15 में भी 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। 30 किलोमीटर यहाँ से वडोदरा दिखा रहा है, बट मेरे को जिस लोकेशन पर जाना है वो मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ अभी 55-60 किलोमीटर बचा होगा। आई होप कि ना ट्रैफिक ना मिले ज़्यादा हाईवे पे, तो अगर अच्छा रास्ता मिल गया ना तो जल्दी पहुँच जाएंगे हम। ओके सो फिलहाल आके पहुंच चुके हैं हम वासद वाले टोल प्लाजा पे। तो सारा रोक ले क्या, रोक ही लेते हैं, क्योंकि जो पिछले में रुका था बारिश हो गई थी इसलिए। तो एक बार ना यहाँ पर देखे, मतलब क्या बढ़िया बाइक लग रही है एकदम, और वेदर ना बहुत ही बढ़िया हो रहा है, बस अरे बारिश ना होना तो अच्छा है, ये कपड़ा गंदा हो रहा है बारिश में और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जूता गंदा हो रहा है। और क्या होता है पता है, ये ट्रक वाले जैसे साइड से गुजरेंगे ना, मतलब साइड से निकलेंगे ना वो लोग, उनका पूरा छींटा हमारे पे उड़ाएंगे वो लोग। देखो है ना ये गाड़ी वाला भी, अरे साला क्या कर रहे हो, उसमें उसकी भी अभी कोई गलती तो है नहीं, साला पीछे बारिश अभी रुका बंद हो गया था फिर वापस शुरू हो गया। करना क्या है भाई तेरे को, ऐसे वो बता दे एक बार, सला बिगा देगा जैसा लग रहा है। अभी रुका तो नहीं हूँ मैं, वहाँ से तो निकल गया हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कम हुआ था बारिश तो मैं सोचा निकल लेता हूँ। बस ना साला बंद हो जाना तो अच्छा है, कि ऑलरेडी मेरे को लेट हो चुका है, 12 बज गए, 12:15 हो गए। फिर मान लो मैं लास्ट 1 बजे तक भी वहाँ पहुँचूंगा ना तो भी 4 बज ही जाएंगे फ्री होते होते। सुना ये बारिश ना हो ना अब तो अच्छा है, कि मेरे को स्लो चलाना पड़ेगा, बिल्कुल आराम आराम से जाना पड़ेगा। आज का दिन कैसा ना वही मालूम नहीं पड़ रहा। तो ये जो ऊपर देख रहे हो ना आप, ये बोला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, यहाँ से लेके अभी गुजरात में है ना वडोदरा से लेके भरूच तक चालू हो गया है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ है। बाकी दिल्ली से जयपुर तक चालू है मेरे को जितना मालूम है, और यहाँ से भरूच तक का चालू है, तो यहाँ से एंट्री है उसकी मुंबई के लिए। जाएंगे कभी ना कभी हम भी एक दिन, बाइक को तलाव नहीं है उधर, गाड़ी लेके जाएंगे और क्या कर सकते हैं। कब का वडोदरा तो पहुँच ही गया था, मतलब ये सब वडोदरा में आता है, ये सर पूरा वडोदरा शहर है। कब का मतलब मैं पिछले 10-15 किलोमीटर जितना हो गया होगा मेरे को, तो अभी भी 2-2.5 किलोमीटर जाना है, उसके बाद मेरे को मुड़ना आएगा जो कि मेरे को सिटी में एंटर करेगा। तो बस अभी तो बारिश हुई, उसके बाद तो थोड़ा बहुत धूप आ गया था, उसके बाद तो बारिश हुई ही नहीं है कहीं, वो अच्छा हुआ।
तो क्या बोले अब, कुछ खाना भी पड़ेगा जाके, और पहले काम निपटेगा उसके बाद ही खा पाऊँगा। अगर और कोई रास्ता तो है ही नहीं हमारे पास अभी, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है आज, इसलिए तो आके ऑलमोस्ट पहुँचने वाला था फिर भी वापस जाना पड़ा। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके सो यहाँ से हम जाएंगे अंदर सिटी की तरफ, क्योंकि हमें ले जाएगा ये वाला रास्ता मकरपुरा की तरफ, मकरपुर GIDC की तरफ। तो बस आइए चाहते हैं। चाचा कैसे देख रहे थे मिरर के अंदर, ऐसे मुड़ मुड़ के, मतलब झुक झुक के देख रहे थे। चलो अभी एक काम करता हूँ, मैं पहले जो काम है मेरा वो निपटा लेता हूँ, टाइम तो लगेगा ही इसमें अभी, 12:17 हो रहे हैं, अभी पहुँचने में भी 10 मिनट लग जाएगा काम ख़त्म होते होते मेरे को लगता है, तो 3:30-4 हो ही जाएगा। चलो आई होप कि जल्दी से ख़त्म हो जाए काम, और कुछ नहीं बस। तो आइए अभी चलते हैं काम ख़त्म करके, उसके बाद आपको मैं मिलता हूँ सीधा। गाइस तो गाइस अभी ना टाइम हो रहा है 5:05, पूरा दिन अब मैं कैसे निपट गया ना मालूम ही नहीं पड़ा साला। तो बस अभी मैं जस्ट GIDC से बाहर निकल रहा हूँ, ये अंदर पूरा मकरपुरा GIDC है, तो यहाँ से मैं ये वाला रूट ले रहा हूँ। वो भी और क्या बढ़िया लगते हैं वाटर्स, तो बस आइए अभी चलते हैं घर की तरफ। भाई इतनी थकान हो गई है आज, मैं क्या ही बोलूँ आपको। बीच में मैं ब्लॉग नहीं किया हूँ बिकॉज मैं काम में ही रहता हूँ, तो कहाँ ही ब्लॉग कर पाते, एंड अकेला होता नहीं हूँ तो क्या ही करे भाई। ओके सो अभी फिलहाल ना मैं सिटी से बाहर आ चुका हूँ, एंड ये वही वाला सिंगल एंड हाईवे पर आ चुका हूँ, पिछले बार यहाँ से हवा पड़वा था याद आ गया वो, तो अभी आ गए ये वाला हाईवे पे, तो अभी चलते हैं सीधा घर की तरफ। 5:16 हो रहे हैं, मे बी हो जाएगा 6:15-6:30 तक पहुंच जाएंगे मे बी, देखते हैं फिर रास्ता ऐसा बढ़िया रहा तो पहुंच जाएंगे जल्दी, बट टाइम आगे तो रास्ता बन रहा है नया, तो उतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। ओके सो अभी ना एक पेट्रोल ख़त्म हो गया था, सो मैं उनको देखा तो मैं सोचा चलो धक्का लगा देता हूँ, ऐसे भी पास में है पेट्रोल पंप, तो ये रहा वो कोई लेडीज़ भी थी उनके साथ में, सो मैं सोचा चलो आया गड़ अपने चतुरेशन हाँ, सो मैं सोचा कि चलो फोकट में वो परेशान हो गए लेडीज़ को देखे, सो उससे अच्छा थोड़ा धक्का लगा ही देते हैं, वैसे भी पास में ही था, हार्डली 1-2 किलोमीटर बचा होगा। तो बस अभी ना मेरा घर यहाँ से कुछ बचा होगा मैं भी 25 किलोमीटर, सो बस अभी आज का ये हमारा व्लॉग इधर ही समाप्त करते हैं। बस दोपहर में ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था, जाते वक्त तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिया था, तो ऑल ओवर आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है नया, तो बस वही सब है। तो ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे नए अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।